हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सबसे फर्स्ट बुलियन एलजेब्रा के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट तभी बुलियन एलजेब्रा होता है जब वो चार कंडीशन यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कॉम्प्लीमेंट लॉ, यानी इन चार लॉ को अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होल्ड करता है तो वह बुलियन एलजेब्रा होता है। उसके बाद हम लोग बुलियन एलजेब्रा में आइडेंपोटेंट लॉ के बारे में पढ़ा और आइडेंपोटेंट लॉ में हम लोग पढ़ा था ए प्लस ए इक्वल्स टू ए एंड ए स्टेरिक ए इक्वल्स टू ए होता है। फिर हम लोगों ने बाउंडेड नेस लॉज के बारे में पढ़ा, वहां पर हमने देखा कि a प्लस वन इक्वल्स टू वन एंड a स्टेरिक जीरो इक्वल्स टू जीरो होता है। फिर हम लोग पिछले वीडियो में एब्जॉर्प्शन लॉ के बारे में पढ़ा, वहां पर हमने देखा कि a प्लस ब्रैकेट अंडर a स्टेरिक b इक्वल्स टू a होता है एंड a स्टेरिक ब्रैकेट के अंदर है a प्लस b इक्वल्स टू a। तो यहां तक हमने पढ़ा था और आज के इस लेक्चर में हम लोग एसोसिएटिव लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एसोसिएटिव लॉ में कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ ब्रैकेट जो होता है ब्रैकेट खाली चेंज हो जाता है। जैसे यहां पर मेरा ए बी सी कोई तीन एलिमेंट है बी का, तो जैसे देखिए ए बी पर जैसे ब्रैकेट है तो जो बराबर के इधर है तो इसमें बी और सी में ब्रैकेट चला गया। उस तरह जो स्टेरिक वाला है उसमें ए बी पर ब्रैकेट जिस तरह से है तो बराबर के जो इस साइड वाला है इसमें बी सी पर चला गया, यानी ब्रैकेट चेंज हो जाता है। बस यही है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो चलिए अब हम लोग एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करेंगे। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि बुलियन एलजेब्रा के कोई भी आप थ्योरम को प्रूव करेंगे तो आपका बेहतर क्या होगा कि आप छोटा को लेकर चले। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर वन टू थ्री, यहाँ पर भी थ्री टर्म है, वन टू थ्री यहाँ पर भी थ्री टर्म है, यानी आप इधर वाला को भी ले चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर वाला को भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ पर पसंद है। तो हम लोग चलिए हम लोग इस आरएचएस साइड को लेकर चलते हैं और एलएचएस को लाएंगे। आप इसको लेके भी इसको कर सकते हैं, बल्कि आपको खाली इक्वल दिखाना है दोनों को। तो हमने यहाँ पर लिखा कि वी सेल सो दैट ए प्लस बी पर ब्रेकेट है प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी पर ब्रेकेट चला गया। वी हैव, हमने इस चीज को यहाँ पर लिख दिया है, ए प्लस बी प्लस सी को हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए, अगर इस पर अगर हम लोग आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे, अगर आइडेंटिटी लॉ अगर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं तो यह हमको मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ लगाएं तो यहाँ पर हमको मिलेगा वन, ठीक है। तो यहां पर हम क्या रीजन देंगे कि बाय आइडेंटिटी लॉ, यहां पर हमने आइडेंटिटी लॉ के आधार से इस चीज को लिखा है। अब देखिए यहां पर क्या करना है, अगर आप यहां पर गौर से देखें, जैसे इसको आपको लिखने का जरूरत नहीं है लेकिन आप समझिए, ठीक है। चलिए पहले हम लोग काम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। अब इसको हम लोग जैसा है उसको एज इट इज हम लोग छोड़ देते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी जो है इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, स्टेरिक भी रहने देते हैं। और ये जो वन है, इस वन को अगर आप लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ देखें, चलिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ दिखाता हूं। देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट हो और उसके कॉम्प्लीमेंट को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आपको वन मिलेगा, यानी आप वन के बदले कॉम्प्लीमेंट लॉ के आधार पर ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपका ए बी का एलिमेंट हो। लेकिन हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ के आधार पर यहाँ पर ए प्लस ए डैश नहीं लिखने के बजाय हम लोग सी प्लस सी डैश लिखेंगे, क्योंकि हमको थ्योरम को प्रूव करना है ना, इसी के चलते हम लोग इस प्रकार से चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सी प्लस सी डैश लिख दिया और बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट में कर देता हूँ बाय, ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। आप अच्छा से लिख सकते हैं, घर में आप लिख लीजिएगा, आप जब फेयर कीजिएगा तो इसको अच्छा से लिखिएगा। तो मैंने लिख दिया बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ के आधार से हमने इस तरह से लिख दिया। अब देखिए ये चीज आपको लिखना नहीं, आप जानिए, मान लीजिए हम लोग इस जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम लोग पूरा एक एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग दूसरा एलिमेंट मान लेते हैं, इसको हम लोग अगर तीसरा एलिमेंट इस तरह से अगर मान लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर दो ऑपरेटर हो आपके पास और कोई अगर तीन एलिमेंट हो तो आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो अगर आप इसको देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम इस प्रकार से लगाते हैं, देखिए जैसे ए स्टेरिक बी प्लस सी होता तो इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो देखिए मैं जो बराबर होता है थोड़ा यहाँ से दे रहा हूँ, ये फर्स्ट है,
इसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको एकदम पूरा लिखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी है आपका, स्टेरिक सी हो जाएगा, स्टेरिक सी हो गया। और ये जो प्लस साइन है ये प्लस साइन आएगा। फिर देखिए आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी स्टेरिक सी डैश, स्टेरिक सी डैश। ये हमने जो लिखा है यह हमने लिखा है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो आप यहां पर रीजन देंगे कि बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो हमने इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के आधार पर इसको लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, अब चलिए हम लोग यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ लगा देते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ लगाने से क्या होता है, देखिए ये तो मेरा ये पूरा पूरी एक टर्म था, ये दूसरा अलग टर्म है, ठीक है। तो आप सी को इस साइड में लिख सकते हैं, स्टेरिक देने के बाद आप ये जो पूरा एलिमेंट है आप इसको एक साइड में लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, कुछ इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको यहां पर लिख दिया। अब आपको ये जो प्लस साइन, इस प्लस साइन को देना है और इसमें भी आपको लगा देना है कम्यूटेटिव लॉ। तो अगर हम लोग इसको कम्यूटेटिव लॉ लगा देते हैं तो यह हमारा हो जाएगा सी डैश स्टेरिक, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से हमने यहां पर लगा दिया है कम्यूटेटिव लॉ, बाय कम्यूटेटिव लॉ। तो हमने कम्यूटेटिव लॉ से इस चीज को लिख दिया है। अब देखिए अगर आप यहां पर गौर करें, ठीक है, तो आपको यहां पर जो मिलने वाला है वह कुछ इस प्रकार से मिलेगा। देखिए अगर आप इसको एक एलिमेंट माने, अगर आप ये जो है इसको अगर आप एक एलिमेंट मानते हैं, इसको अगर आप दूसरा एलिमेंट मानते हैं, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है अगर आप इसको थर्ड एलिमेंट मानते हैं, तो अगर यहां पर देखें तो एलिमेंट आपका तीन हो गया और ऑपरेटर आपका दो हो गया, यानी आप यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लगाएंगे। तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो जाएगा, सी स्टेरिक ए हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप यहां पर इस तरह का एक ब्रैकेट दे दीजिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, अब समझिए आप इसको, ठीक है। तो सी स्टेरिक ए होगा, यहां पर सी स्टेरिक ए हो गया प्लस सी स्टेरिक बी प्लस सी हो जाएगा, सी स्टेरिक बी प्लस सी हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग पूरा होल को घेर देते हैं प्लस। अगर इसमें भी अगर हम लोग उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो यह हो जाएगा सी डैश स्टेरिक ए प्लस सी डैश स्टेरिक बी प्लस सी हो जाएगा, बी प्लस सी। तो इस तरह से हमने यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लगा दिया है। तो चलिए हम यहां पर रीजन दे देंगे कि बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमने यहां तक काम कर दिया है। अब देखिए आगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमारा यहां तक आ गया है। अब देखिए आगे, यहां पर जो सी स्टेरिक ए है यह एज इट इज बना रहेगा, मतलब जैसे आपको उसको इसी प्रकार से लिख देना है। और ये प्लस है, इस प्लस को भी दे दीजिए। अगर आप यहां पर देखें तो ये आपका जो है सी स्टेरिक बी प्लस सी है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपका यहां पर एब्जॉर्प्शन लॉ लगेगा, जैसे मैंने आपको एब्जॉर्प्शन लॉ बताया था कुछ इस प्रकार से, जैसे कि यहां पर ए और ब्रैकेट के अंदर ए स्टेरिक बी, यानी दो आपका ऑपरेटर हो, एक प्लस और एक स्टेरिक। उसके बाद यहां पर जैसे ए है तो आपको यहां पर भी ए मिलना चाहिए, तो जो वाला कॉमन मिलेगा आप उसी को लिख देंगे, ठीक है। तो हमको यहां पर ए कॉमन मिला इसलिए ए को लिख दिए। अगर आपका पहले स्टेरिक ऑपरेटर हो फिर प्लस ऑपरेटर हो उससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर जो कॉमन मिलेगा आपको उसी चीज को यहां पर लिख देना है। ये हमने एब्जॉर्प्शन लॉ में पढ़ा है, तो बिल्कुल हम लोग यहां पर भी एब्जॉर्प्शन लॉ का यूज करेंगे। तो देखिए अगर आप यहां पर देखें तो एक आपका ऑपरेटर स्टेरिक है और एक प्लस है, और यहां पर भी आपका सी है और यहां पर भी आपका सी है। ये कुछ भी हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सी सी मिल रहा है ना, तो एब्जॉर्प्शन लॉ से हम लोग यहां पर सिर्फ इसके बदले क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर इसको सी लिख दिया। और ये जो साइड वाला है इसको आप एज इट इज बना रहने दीजिए, इसको आपको कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो सी डैश स्टेरिक ए प्लस सी डैश स्टेरिक बी प्लस सी, तो हमने इसको एज इट इज बना रहने दिया, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया। और यहां पर हमने जो लगाया है रूल, उस रूल का रीजन दे देते हैं। तो बाय एब्जॉर्प्शन लॉ, यहां पर हमने इसको एब्जॉर्प्शन लॉ से इसको यहां तक लाया है। अब देखिए अब आपको आगे क्या करना है, अगर आप यहां पर गौर करें तो आपका यहां पर फिर से एब्जॉर्प्शन लॉ लग जाएगा। जैसे सी स्टेरिक ए अगर आप इसको
कुछ इस प्रकार। आप चाहे तो आप इसको अगर यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से आप अगर घेर देते हैं, कहने का मतलब अगर आप इसको घेर देते हैं तो देखिए आपके यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, एक आपका यहाँ पर स्टेरिक एक प्लस ऑपरेटर, दो ऑपरेटर है ना, तो सी सी मिल रहा था। आपका यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। तो आप इसके बदले क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। फिर देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आप ये जो चीज है आपको इसको एडजेक्टिव बना रहने दीजिए, तो सी डैश स्टेरिक ए प्लस सी डैश स्टेरिक बी प्लस सी हो गया हमारा। चलिए अब देखिए अब आपको क्या करना है, चलिए हम यहाँ पर भी रीजन दे देते हैं, तो यहाँ पर भी रीजन देना है बाय एब्जॉर्प्शन लॉ। यहाँ पर भी हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन लॉ के रीजन को दे दिया है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, चलिए इसको हम लोग एज इट इज बना रहने देते हैं। अब देखिए इस चीज को आप छोड़ दीजिए, इसको जैसा है आप इसको एज इट इज लिख दीजिए। तो सी स्टेरिक ए को हमने एज इट इज लिख दिया। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो 1 2 3 यानी 3 एलिमेंट है और दो ऑपरेटर है, यानी आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कैसे लगाएंगे, तो सी डैश डॉ स्टेरिक बी हो जाएगा, सी डैश स्टेरिक बी हो जाएगा प्लस सी डैश स्टेरिक सी हो जाएगा, सी डैश स्टेरिक सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिखा है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो आप यहां पर रीजन देंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लॉ से इसको लिखा है। अब देखिए अब आपको आगे क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमने यहां पर लिख दिया है। अगर जैसे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ को बताया है, तो चलिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ में चलते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको कहा था कॉम्प्लीमेंट लॉ में कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक एलिमेंट है ए, ठीक है, और अगर ए का कॉम्प्लीमेंट का अगर हम लोग स्टेरिक ऑपरेटर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर आपका एक एलिमेंट है सी, उसके साथ अगर हम लोग सी का कॉम्प्लीमेंट का स्टेरिक करेंगे तो इस केस में हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमको जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं सी प्लस सी डैश स्टेरिक ए प्लस सी डैश स्टेरिक बी प्लस जीरो आप लिख सकते हैं। ये जो आपका आया है बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ से आपका आया है, तो आप यहाँ पर रीजन दे सकते हैं कि बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ के रीजन को दे दिया है। अब देखिए ये जो जीरो है, ये हमारा जीरो को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के रूल से आप इसको लिख सकते हैं सी डैश स्टेरिक ए प्लस सी डैश स्टेरिक बी, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर जो रीजन देंगे तो देंगे बाय आइडेंटिटी लॉ। तो हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ के रीजन को दे दिया है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का अगर हम लोग यूज करें तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, तो सी डैश स्टेरिक ए प्लस बी हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हम लगाए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का आप इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमने यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, फिर अब हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक मान लेते हैं एक एलिमेंट, इसको हम लोग दूसरा एलिमेंट मान लेते हैं, पूरा होल जो ब्रिकेट के अंदर ए प्लस बी है इसको हम लोग तीसरा एलिमेंट मान लेते हैं। ऑपरेटर देखा जाए तो यहाँ पर आपका दो ऑपरेटर है, यानी आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर सकते हैं। तो आप इस केस में क्या लिख सकते हैं, देखिए सी प्लस सी डैश, यानी सी प्लस सी डैश स्टेरिक के बीच में दे दीजिए, फिर सी प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसको इस तरह से घेर देते हैं। ये हमने जो लिखा है ये रीजन अगर हम देना चाहें तो लिख सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको लिखा है। अब देखिए अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ का अगर यहाँ पर यूज करें तो सी प्लस सी डैश के लिए हमको मिलेगा 1। ठीक है, देखिए मैंने कॉम्प्लीमेंट लॉ में आपको बताया था कि जो कॉम्प्लीमेंट लॉ होता था ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर हम लोग प्लस ऑपरेटिंग करें इसमें हमको 1 मिलेगा। तो यहाँ पर 1 हमको लिख सकते हैं स्टेरिक सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो यूज किया है तो बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ यहाँ पर भी हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज किया, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब देखिए ये जो 1 है हमारा, अगर आइडेंटिटी लॉ अगर हम लोग यहाँ पर
यूज करें तो ये जो एलिमेंट है एज इट इज रह जाएगा सी प्लस आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आया हमारा बाई बाई आइडेंटिटी बाय आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ का अगर यूज करें तो जैसे कम्यूटेटिव लॉ में आपको पता है क्या, जैसे इधर आपका a प्लस बी हो तो आपका कम्यूटेटिव में क्या हो जाएगा b प्लस ए हो जाएगा। तो इसको देखिए प्लस के आधार पर c प्लस जो ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है तो इसको कम्यूटेटिव लॉ लगाई तो यह हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये हम लिख रहे हैं बाय कम्यूटेटिव लॉ से, बाय कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो हम यहाँ पर ले चले थे a प्लस बी प्लस सी, मैंने b प्लस सी में ब्रिकेट हम लोग ले चले थे, मैंने इस पार्ट को हम लोग ले चुके थे और हमारा आने वाला था ये पार्ट a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए अगर आप यहाँ पर मैच करें तो आपका दोनों मिल जाएगा, यानी आपको ये चीज लाना था तो देखिए आपका यहाँ पर ये चीज आ चुका है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा आ चुका है इन This way we see that, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो a प्लस बी प्लस सी है वो आ गया a प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वह प्रूफ हो चुका है। अब आइए हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को प्रूफ, एसोसिएटिव लॉ के सेकेंड पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि नाउ वी सेल सो दैट ए स्टेरिक बी पर, यहाँ पर हमारा ब्रेकेट है स्टेरिक सी इक्वल्स टू ए स्टेरिक, ये जो ब्रेकेट है बी स्टेरिक सी पर चला गया है। वी हैव, अब हम लोग इस साइड आरएचएस वाला को मान के चलते हैं और इस ये जो एलएचएस वाला साइड है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए बहुत इजी है, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था बिल्कुल उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे, तो आइडेंटिटी लॉ अगर हम इस तरह से लगा दें तो यह हमको मिल जाएगा ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, ठीक है, प्लस जीरो। ठीक है, क्योंकि जीरो से किसी भी एलिमेंट को प्लस करेंगे तो वही एलिमेंट एज इट इज बना रहेगा। तो यहां पर रीजन जो हम देंगे, रीजन हमारा होगा बाय आइडेंटिटी बाय आइडेंटिटी लॉ, ये हमने आइडेंटिटी लॉ से इस चीज को किया है। अब देखिए जैसे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ बताया था, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में जीरो आपका कब होता है तो जब कोई एलिमेंट हो और उसके कॉम्प्लीमेंट का जब हम स्टेरिक ऑपरेशन करते हैं तो हमको जीरो मिलता है। तो यहां पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी एज इट इज बना रहेगा और जीरो के बदले हम लोग लिख सकते हैं सी स्टेरिक सी डैश। ये हमने लिखा बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ से इस चीज को लिख दिया है। अब देखिए अब आपको आगे क्या करना है, अगर हम इस पूरे को अगर फर्स्ट एलिमेंट मान ले, इसको अगर सेकेंड एलिमेंट मान ले और अगर इसको थर्ड एलिमेंट मान लिए और यहाँ पर मेरा ऑपरेटर भी दो है। मैंने आपको बताया था कि जब दो ऑपरेटर हो और थ्री एलिमेंट हो तो आप उस केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है तो आप इसको एज इट इज बना रहने देंगे, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, ठीक है, और ये प्लस आपका सी आ जाएगा प्लस सी। यहाँ पर बीच में स्टेरिक है तो आप यहाँ पर स्टेरिक देंगे, ये जो एलिमेंट है ये एज इट इज बना रहेगा ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी एज इट इज बना रहा और ये प्लस सी डैश हो जाएगा प्लस सी डैश। ये हम लिखे हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से लिख दिया है। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे। कम्यूटेटिव लॉ लगाने से क्या होगा, देखिए ये जो था ये पूरा मेरा एक ही एलिमेंट था, ये भी जो था मेरा पूरा एक ही एलिमेंट है। तो देखिए जैसे यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे ये जो सी है ये इधर आ जाएगा, इसका साइन भी इधर आ जाएगा और ये जो भी चीज है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, ठीक है, बीच में स्टेरिक है तो स्टेरिक रहेगा ही। ये जो सी डैश है आपका इधर आ जाएगा प्लस, इसको आप लिखिएगा ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, ये हम लिख दिए बाय कम्यूटेटिव लॉ से। तो यहां पर जो रीजन देंगे हम लोग देंगे बाय कम्यूटेटिव
बाय कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ से हमने इस चीज को इस प्रकार से लिख दिया है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लगाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप किस प्रकार से लगाएंगे, जैसे मान लीजिए ये जो इसको आपने फर्स्ट एलिमेंट मान लिया, इसको आपने सेकंड मान लिया, और ये पूरे को आपने थर्ड एलिमेंट मान लिया, उसी तरह यहाँ पर इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको अगर थर्ड एलिमेंट मान लेते हैं। आपको एग्जाम में ये 1, 2, 3 लिखने का जरूरत नहीं है, केवल मैं समझा रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास कोई 3 एलिमेंट हो और अगर 2 ऑपरेटर हो तो उस केस में आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पर इस प्रकार से एक ब्रेकेट दे सकते हैं, तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो अच्छा से क्लियर होगा। तो देखिए इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, सी प्लस ए हो जाएगा, तो सी प्लस ए लिखेंगे। ठीक है, तो सी प्लस ए हमने यहां पर इसको लिख दिया, सी प्लस ए स्टेरिक रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा सी प्लस बी बी स्टेरिक सी, बी स्टेरिक सी। ठीक है, ये हमारा आया फर्स्ट पार्ट। तो चलिए इसको हम लोग रहने देते हैं, बीच में स्टेरिक है, आप स्टेरिक भी रहने दीजिएगा। अब इस केस में देखिए क्या होगा, C डैश प्लस A हो जाएगा, C डैश प्लस A, बीच में आपका स्टेरिक है तो आप स्टेरिक ऑपरेशन देंगे, फिर आपका यहाँ पर क्या है C डैश है, तो आप यहाँ पर C डैश देंगे, C डैश, ये जो आपका प्लस है आपको यहाँ पर प्लस देना पड़ेगा, और ये आपका क्या है बी स्टेरिक सी है, तो बी स्टेरिक सी आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया, तो ये हमने लिखा है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको इस प्रकार से लिख दिया है। अब देखिए, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में क्या था ना कि यहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन लॉ लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, आपका दो ऑपरेटर भी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लॉ लगा देंगे, तो एब्जॉर्प्शन लॉ लगाने से क्या हो जाएगा, सी प्लस ए जो है एज इट इज बना रहेगा, जो स्टेरिक ऑपरेशन है ये भी बना रहेगा, तो इसमें यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, यानी एब्जॉर्प्शन लॉ से आपका यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और ये जो है पार्ट इसको आप एज इट इज बना रहने दीजिए, तो आप इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, सी डैश प्लस ए स्टेरिक, सी डैश प्लस बी स्टेरिक सी, इसको हम लोग एज इट इज बना रहने देते हैं। और ये हमने लिखा है एब्जॉर्प्शन लॉ से, बाय एब्जॉर्प्शन लॉ। अब देखिए, अब आपको आगे क्या करना है, अगर आप यहाँ पर देखें, अगर मान लीजिए कि इसको अगर या आप इस साइड को या फिर अगर आप इस साइड को इस तरह से घेर देते हैं, तो देखिए आपका यहाँ पर भी आपका एब्जॉर्प्शन लॉ लग जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, और आपका दो ऑपरेटर भी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग लगा देते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ, तो यहाँ पर भी आपको सी मिल जाएगा स्टेरिक, और जो इसमें है इसको एज इट इज बना रहने देते हैं, सी डैश प्लस ए स्टेरिक, सी डैश प्लस बी प्लस बी स्टेरिक, बी स्टेरिक सी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगाया है, एब्जॉर्प्शन लॉ लगाया है, तो एब्जॉर्प्शन लॉ के आधार से हमने यहाँ पर लिख देंगे, तो बाय एब्जॉर्प्शन लॉ, तो एब्जॉर्प्शन लॉ से हमने यहाँ पर पाया है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, अब देखिए आगे का काम क्या करना है, सी जो है सी को एज इट इज बना रहने दीजिए, सी डैश प्लस ए को भी एज इट इज छोड़ दीजिए, स्टेरिक को भी रहने दीजिए। देखिए अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपका यहाँ पर 1, 2, 3 एलिमेंट है, दो ऑपरेटर है, यानी आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, तो ये जो होगा सी डैश प्लस बी हो जाएगा, सी डैश प्लस बी, सी डैश प्लस बी, बीच में आपका स्टेरिक रहेगा, और ये हो जाएगा सी डैश प्लस सी, तो आप यहाँ पर लिखिएगा सी डैश प्लस सी, ये जो आपने लिखा है ये लिखे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए अब देखिए, जैसे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ाया है, तो बिल्कुल यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ में पढ़ा है कि जैसे आपके पास कोई एक एलिमेंट ए है, और अगर उसके कॉम्प्लीमेंट को अगर हम लोग प्लस ऑपरेट करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वह होगा 1। तो देखिए यहाँ पर आपका सी एक एलिमेंट है, उसके कॉम्प्लीमेंट सी डैश है, उस पर अगर हम लोग प्लस ऑपरेट करेंगे तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ हम लोग लिख सकते हैं 1। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सी स्टेरिक एज इट इज बना रहेगा, सी डैश प्लस ए रहने देते हैं, सी डैश प्लस बी भी रहने देते हैं, और ये स्टेरिक, और यहां पर आपको मिल जाएगा 1, और ये हम लिख रहे हैं बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ से इस चीज को लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो 1 है, 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी लॉ अगर यहाँ पर यूज करें तो सी डैश
प्लस बी एजेटिव बना रहेगा तो सी स्टेरिक, यहाँ पर अगर हम लोग करें तो सी डैश प्लस ए स्टेरिक सी डैश प्लस बी, ये हमारा आ जाएगा बाय आइडेंटिटी लॉ, बाय आइडेंटिटी लॉ। इस तरह से हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ से यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए अब आपको आगे क्या करना है, चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। तो यहाँ पर जो ये सी है इस सी को हम लोग एजेटिव रहने देते हैं स्टेरिक। अब हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, अगर यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा सी डैश सी डैश सी डैश प्लस ए स्टेरिक बी, तो हमको यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वह कुछ इस प्रकार से मिलेगा और हमने इस चीज को लिखा है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए अब आगे देखते हैं, अब अगर देखा जाए तो ये आपका हो गया फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट और आप इस पूरे को थर्ड एलिमेंट अगर मान लेते हैं तो, और यहाँ पर देखिए आपका दो ऑपरेटर भी है तो आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो चलिए लगा देते हैं सी स्टेरिक सी डैश हो जाएगा सी स्टेरिक सी डैश, बीच में आपका प्लस आएगा फिर सी स्टेरिक ए प्लस बी सी स्टेरिक ए स्टेरिक बी हो गया। चलिए हमने यहाँ पर जो यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज किया है तो यहाँ पर लिख देंगे कि बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा है कि कोई एक एलिमेंट हो और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर हम लोग स्टेरिक ऑपरेट करें तो हमको मिलने वाला है जीरो, तो यहाँ पर इस केस में हमको क्या मिल जाएगा जीरो मिल जाएगा प्लस सी स्टेरिक ए स्टेरिक बी इस प्रकार से मिलेगा। अब देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं रीजन दे सकते हैं बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ से हमको मिला है। अब यहां पर ये जीरो जो है वह आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी लॉ से हम लिख सकते हैं सी स्टेरिक ए स्टेरिक बी, ये हमने कहां से लिखा तो बाय आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए अब आपको क्या करना है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग कम्यूटेटिव लॉ लगा देंगे तो ये जो पार्ट है ये इस साइड आ जाएगा आपका, ये जो स्टेरिक बीच में रहेगा और ये जो सी है ये इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम इस पार्ट को लेकर चले थे और हमारा फाइनली ये पार्ट आ चुका है। देखिए अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो ये दोनों एक जैसा है यानी ये पार्ट आ गया है। तो हम लिखेंगे कि इन दिस वे हम ले चले थे ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी और हमारा फाइनली आ चुका है ये ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। तो इस तरह से जो हमारा एसोसिएटिव लॉ का जो थ्योरम था वह पूरा पूरी प्रूफ हो चुका है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।